फ्रेंकली बताऊं तो मैं थोड़ा बिजी हूं अपने शूट वगैरह में. हाँ, जितना थोड़ा बहुत देख लेता हूं. बहुत ऑफिशियली ऑफिशियली मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बिग बॉस. बानी जे. हां बानी, फिनिश हो गया. हां, क्या पूछा था? सॉरी यार, देखो सबकी ना अपनी अपनी पर्सनैलिटी है. पता नहीं लोग किस हिसाब से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हमारे शो की बात कुछ और थी. हम लोग वर्सेस थे, जैसे अभी आई सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर, बट इस टाइम कुछ ऐसा है नहीं. बट मुझे लग रहा है लोगों को समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट होता क्या है. अब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. वो लोग मुझे ही लग रहा है कि एंटरटेन कर रहे हैं, वो जाके अपनी खुंदस निकाल रहे हैं. बट एडवाइस करूँगा अगर वो सुन ले या पहुँच जाए तो, कि यार जैसे हो ना जेन्युइन खेलो. घर तो घर जाएगा, वो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो. फंसाओगे तो नहीं ना इस जवाब पे? हाँ, अच्छा यार, मुझे अब तक जितना ही मैंने देखा है ना, मुझे विकास कहीं ना कहीं डिजर्विंग लग रहा है, क्योंकि वो सब कुछ सह भी चुका है, कह भी चुका है, रो भी चुका है, भाग भी चुका है, तो वो सारे फेसेस देख चुका है घर के. तो विकास मुझे कहीं ना कहीं लगता है डिजर्विंग. यार अंदर ना प्लान कुछ चलता नहीं है, क्योंकि आप वन टू वन तो हो ही नहीं सकते, है ना चैनल तो. कोई बात नहीं, ये भी जाएगा बिग बॉस के घर में. वहाँ वन टू वन कुछ नहीं हो सकता. आप और मैं कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो ये आ जाएगी, बीच में कोई और आ जाएगा, क्योंकि वहाँ हैं 14-15 लोग हैं. तो प्लान कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि आप कैमरे से ना झूठ नहीं बोल सकते. और आप वन टू वन किसी से झूठ बोल सकते हो, बट जैसे आप फीट घुमाओगे कैमरा पकड़ लेगा. तो मुझे नहीं लगता प्लान है, बट ठीक है कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए तो. कौन बहुत स्ट्रांग है यार, और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत, और आप लोग देख ही रहे हो मैं क्या बोलूँगा. ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी, उन पर क्या सूट होता है, वो क्या सोचती हैं उन पर है. मैं क्या बोलता हूँ ये मुझ पर है. मैं किसी को जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए. वहाँ 105 दिन रहोगे तो पता चलेगा, वेट कम हो जाता है. ये तो मैं बता नहीं सकता, बट हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा और दिख भी जाएगा. बस आशीर्वाद रखना है आप लोगों को. लिख लूँ बिग बॉस के लिए क्या हूँ? अच्छा हाँ, विजुअल ले लो सर.